देखने में तो जो आया जो अपना इधर डबल टी में कलमा चौक तरह सारा पानी से भरा हुआ था जी। गली मोहल्लों में जो ज्यादा सूरत वाला पानी वगैरह रुका हुआ काफी, मतलब का ट्रैफिक वगैरह गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। कुरबलन का एरिया यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तकरीबन इतना पानी है, वहाँ पे गटर बंद है, बुरा हाल है। लाहौर में बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई घंटों की मूसलाधार बारिश, पूरा शहर डूब गया। करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जान बहक। लाहौर में 10 घंटों के दौरान 291 मिलीमीटर बारिश हुई है और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। बरसाती पानी घरों, बाजारों और हॉस्पिटल्स में दाखिल हो गया। अहम शाहराओं पर 6-6 फीट पानी जमा है। गली मोहल्ले तालाब बन गए हैं। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद हो गई हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है। शहरियों की मदद के लिए पुलिस का 50 रुकनी दस्ता तैयार। महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा एक और इस पहल मुतवक्के है, निकासी आप का अमल जारी है। एक साथ पानी की निकासी नामुमकिन है। पहले पानी को क्लियर कर लें, ये वाले को खासतौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आया हुआ था। मुस्लिम टाउन में बहुत ज्यादा पानी आया हुआ था। हमारा सिस्टम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सके। 134 पंप्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लगाए हुए। लाहौर में बारिश होते ही पंजाब के निगरान वजीर खेल वहाब रियाज भी मदद के लिए सड़कों पर निकले, लेकिन मदद की बजाय अपनी गाड़ी से आसपास के लोगों को नहला दिया। फोटो सेशन के लिए गाड़ियों को धक्के लगाए। सोशल मीडिया सार्फिन की वहाब रियाज की फुर्तियों की खूब कड़ी तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश और आंधी, 24 घंटे में 3 अफराद चल बसे। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जुज़्वी नुकसान पहुंचा, एक घर मुकम्मल तबाह। मुजफ्फराबाद से भी बादल खूब बरसे और नदी नालों में तुगियानी आ गई है। दरियाए नीलम और जहलम में पानी की सतह बुलंद है। मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है और PDMA की 9 जुलाई से दरियाए जहलम, चनाब और रावी में पानी के बहाव में इजाफे की पेशगोई। कराची वाले भी हो जाए होशियार, मानसून एंट्री देने को है तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 7-10 जुलाई जमकर बादल बरसेंगे। अमन दुश्मनों का एक और वार, मीरान शाह में खुदकश बमबार फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गया। नायब सूबेदार साहिब खान और नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान धरती पर कुर्बान। 3 शहरी शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक कार सवार खुदकश बमबार चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था और ड्यूटी पर मामूर बहादुर जवानों ने जानों के नजराने देकर बड़े सानहे से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर वक्त पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ CTD की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। रवा साल के पहले 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 5 माह के दौरान 76 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। हलाक होने वाले कालादम TTP के अहम दहशतगर्द शामिल हैं और DI खान में 35 केसेस में मतलूब दहशतगर्द इकबाल मारा गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, पुलिस और फोर्सेज पर हमलों में भी मतलूब थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुतालिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।